लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। कोरोना महामारी के बीच मुंबईकरों के लिए एक अच्छी खबर है। सिडको प्राधिकरण बेलापुर में एक ऐसा मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बनाने की तैयारी में जुट गया है, जहाँ सामान्य और गरीब सभी मुंबईकरों को सुलभ इलाज मिल सकेगा। बीजेपी विधायक मंदाताई मात्रे की मांग के बाद मुख्यमंत्री ने सिडको प्राधिकरण को यह हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्देश दिया है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी विधायक मंदा मात्रे ने बताया कि सिडको ने इसके लिए 10 एकड़ जमीन आरक्षित कर ली है, जिस पर हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बनना है। उन्होंने कहा कि ऐसा मेडिकल कॉलेज होगा जहाँ इलाज के साथ ही युवाओं को मेडिकल शिक्षण की व्यवस्था होगी। मंदा मात्रे ने उम्मीद जताया कि तीसरी लहर के बीच यदि हॉस्पिटल जल्द तैयार होता है तो इससे कई जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। देखिए रिपोर्ट। अगर सब कुछ ठीक रहा तो मुंबईकरों को अगले साल तक सिडको के मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में फ्री इलाज उपलब्ध हो सकेगा। जी हां, बीजेपी विधायक मंदा मात्रे की मांग पर सिडको ने बेलापुर क्षेत्र में एक ऐसे ही मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज बनाने का निर्णय लिया है, जहाँ सभी बीमारियों का इलाज मौजूद होगा जो बड़े प्राइवेट अस्पतालों में मिलता है। यहाँ चिकित्सा सेवा के साथ ही मेडिकल की पढ़ाई भी हो सकेगी। इसकी जानकारी देते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी विधायक मंदा मात्रे ने कहा कि सिडको एमडी संजय मुखर्जी ने आज की मुलाकात में इसके लिए 10 करोड़ का भूखंड देने और खुद इसका निर्माण करने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने कहा कि आज मुंबई में कोई भी एडवांस सरकारी अस्पताल नहीं है जहाँ आमजन और गरीबों का इलाज हो सके, इसलिए लोगों को प्राइवेट अस्पतालों की शरण लेनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि यदि कोरोना की तीसरी लहर के बीच जल्द यह हॉस्पिटल बन जाता है तो कई जिंदगियां बचाई जा सकेंगी। आइए सुनाते हैं मंदाताई मात्रे ने और क्या कुछ कहा। एक महीने से मैं ये जब तीसरा कोविड का लहर आएगी करके जो वातावरण निर्माण हुआ और बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं और छोटे बच्चे और यंग लड़के लोग जो गुजर रहे हैं उनको कोविड हो रहा है, ऐसे हालत में अगर हम अभी नियोजन नहीं करेंगे तो अगले एक साल के बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। आज हमको तो नहीं लगता है, 4-5 साल की तकलीफ है, मुश्किल लग रही है। कोरोना जाएगा वापस, अभी दूसरा कोई एक नया रोग आया, उसके कल 11 रुग्ण मिले हैं। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब को मैंने एक लेटर दिया था और कहा था कि एक हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई में होना चाहिए। बहुत सारे भूखंड यहाँ वेकेंट पड़े, उसके ऊपर अतिक्रमण हो रहा है। उस हिसाब से अगर ये होगा और ये कोविड आ रहा है तो तीसरी लहर को हम लोग रोक सकेंगे। और आज ये काम का फलस्वरूप निकला और हमने फ्री की डिमांड की थी, मगर आज हमको 10 एकड़ का भूखंड मिल रहा है और मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल मिल रहा है। नवी मुंबई के लिए बहुत बड़ी, सबसे मेरी लाइफ की बड़ी बात है। बताना जरूरी है कि सिडको ने शहर तो बसा दिया लेकिन वह शिक्षण संस्थान या अस्पताल नहीं बना सकी। यह पहली बार हो रहा है कि जब बीजेपी विधायक मंदा मात्रे की मांग और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निर्देश पर सिडको ने इतने बड़े हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के निर्माण की तैयारी की है। हालांकि इसके पहले भी वर्ष 2016-17 में सिडको ने मुंबई के कलम्बोली में मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने का ऐलान किया था, लेकिन वह सिर्फ कागजों में ही रह गया। इस सवाल पर बीजेपी विधायक मंदा मात्रे ने कहा कि इस बार यह हॉस्पिटल बन कर रहेगा। अल यह हॉस्पिटल बनने के बाद हजारों लोगों को काम मिलेगा, हजारों डॉक्टर बनेंगे वहाँ पर, काफ़ी नर्स लोगों को, माउसी लोगों को, सिस्टर लोगों को, सबको काम मिलेगा। और एक अच्छा वातावरण में हम नवी मुंबई का शान से नाम लेंगे। इसी तरह से ऐसा हॉस्पिटल बनेगा जो लैंडमार्क होगा, बेलापुर विलेज में ही बनेगा, मेरे ही क्षेत्र में बनेगा और बेलापुर में बनेगा। मेरा तो ख्याल है एक साल में हॉस्पिटल खड़ा रहना चाहिए तो हम तीसरी लहर को रोक सकते हैं, ये मेरा ख्याल है। वैसे ही एमडी का भी ख्याल है और माननीय उद्धव साहब ने तो ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो वहाँ से तो कोई अभी दिक्कत है ही नहीं।
सरकार किसकी भी होने दो, जो अच्छा काम करता है उसको सपोर्ट मिलता ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया।